वीडियो में बताई गई एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लेना यार, क्योंकि अगर अगर आप नोट नहीं करोगे तो हो सकता है आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। उसी कंफ्यूजन को क्रिएट ना होने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि पूरा का पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स काउंसलिंग के प्रोसीजर को अच्छे से नहीं समझाते हैं क्योंकि वो अपनी पेड काउंसलिंग को बेचना चाहते हैं या फिर कोई और रीजन रहता है, स्पॉन्सरशिप का रीजन रहता है। मेरे साथ कोई भी रीजन नहीं है, पेड काउंसलिंग मेरी भी होगी बहुत बाद में जाकर, जिनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी उनके लिए। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एटलीस्ट पूरे के पूरे प्रोसीजर को समझें कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं और कैसे कैसे आपको पार्ट लेना होगा, कि अगर आप अपने आप करने की सोच रहे हैं या फिर वो आपको करना भी चाहिए अपने आप अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, तो आप किस तरीके से चीजों को प्रोसीड करें। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? आपने जेई मेन का एग्जाम दिया, जेई मेन के अंदर आपकी रैंक आई, आपके रिजल्ट आने ही वाले हैं जल्द, और मे बी अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ भी चुका हो, आपकी रैंक आ चुकी हो, आपकी रैंक आई, आपका रिजल्ट आया। अब उस रिजल्ट का यूज करके आप कॉलेज में एडमिशन जो लेंगे उसके बीच में एक फॉर्म होता है, ऐसा सोच लो, उस फॉर्म का नाम होता है काउंसलिंग। वो काउंसलिंग आपको फिल करनी होती है, एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, पहले आपको ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए, और एट द एंड सबसे लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो आपको पता लगता है कि आपको ये चीज मिली है या फिर नहीं मिली है। आपको मिल जाती है तो आपको कॉलेज में जाना होता है। इस वीडियो को मैं स्पेसिफिक रख रहा हूँ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग किस तरीके से होती है? इंद्रप्रस्थ जेई मेन के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो लोग इंजीनियरिंग करने के बाद जा रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में यूं ही जा रहे हैं, तब भी मैं आपको बता देता हूं। जेई मेन का स्कोर वैलिड होता है अगर आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवानी है और वहां पे आपको एडमिशन चाहिए। तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं आपके पास फ्रॉड के, 1 लाख में 2 लाख में 3 लाख में 4 लाख में करा देंगे। इतना महंगा काम नहीं है ये, ठीक है। छोटे मोटे काउंसलर से आप करा सकते हो, नॉर्मल काउंसलर से आप करा सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो अगर आपको लगता है आप में नॉलेज है तो। लेकिन मेन दिक्कत यही आती है कि थोड़ा सा ना कन्फ्यूजिंग हो जाता है, निपटाते हैं इसको। सबसे पहले होता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा 1200 रुपये का होता है। वो रजिस्ट्रेशन सभी को करना होता है, चाहे आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो, बीबीए में ले रहे हो, एलएलबी में ले रहे हो, किसी में भी ले रहे हो, वो रजिस्ट्रेशन सबको करना होता है। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे जब आप बीटेक सेलेक्ट करेंगे तो अपने आप वो मान लेगा, हाँ भाई जेई मेन का, जेई मेन की बात कर रहा है, ठीक है, वो आपसे चीज़ें भरवा लेगा जितनी भी ज़रूरी होती हैं। कोई बिजली का बिल नहीं चाहिए होता, कोई कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, आधार कार्ड हो गया, आपका 12th की मार्कशीट वगैरह हो गई। 12th की मार्कशीट तो चलो आई नहीं होगी अभी जैसे, लेकिन जब आपका एडमिशन वगैरह हो रहा होगा कॉलेज में तब उस टाइम तक 12th की मार्कशीट आ जाती है, तब आपको वो डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपके स्कूल में भी आ जाएगी और डिजी लॉकर पर भी जो आपकी नॉर्मल मार्कशीट होती है वो आप लोगों को मिल जाएगी। वो बात की बात होती है, नॉर्मल आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड भी नहीं लगता, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, आपको वो करना है, 10th के मार्क्स बताने हैं, सब कुछ चीज़ें बतानी है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट में बच्चों को डाउट रहता है, वो पासिंग सर्टिफिकेट एक्चुअली में आपकी 10th की मार्कशीट ही है। मेरे ईयर तक पासिंग सर्टिफिकेट अलग से मिलता था, लेकिन जैसे ही मैंने पास आउट करा उसके बाद जितने ही बैचेज आए हैं 10th पास करके उन सबको पासिंग सर्टिफिकेट ऐसा सच नहीं मिला है CBSE के थ्रू, उनकी 10th की मार्कशीट ही उनका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है। आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का 1200 का, उसके बाद में आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है। काउंसलिंग का फॉर्म कभी कभार लेट निकलता है, कभी कभार साथ में निकल जाता है, बाकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी फॉर्म बार बार निकालती रहती है, बार बार हटाती रहती है, तो उसकी कोई लोड नहीं है। आप ध्यान से नोटिफिकेशन को देखते रहिए, ipo.admissions.nic.in, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी। काउंसलिंग का फॉर्म होगा 1000 रुपीज़ का, वो आपको भरना होगा, उसमें आपसे थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल मांगी जाएगी। जेई मेन का रिजल्ट आपको आपसे उसमें मांगा जाएगा, आपसे उसमें मांगा जाएगा आपका क्या नाम है, आपका एक चेकबुक मांगी जाएगी, चेकबुक के अंदर भी चेक मांगा जाएगा, कैंसिल चेक फॉर एग्जांपल, अगर आप विड्रॉ करते हैं तो पैसे सारे उसके अंदर आएंगे। फिर उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, राउंड वन होता है, राउंड वन में चॉइस फिलिंग होती है, क्या कॉलेज आपको चाहिए, क्या कॉलेज नहीं चाहिए, उससे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। राउंड वन का रिजल्ट आएगा, राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद आपको चूज करना होगा, क्या ये जो चीज़ मुझे अलॉट हुई है क्या मुझे चाहिए कि नहीं। अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली राउंड टू में चले जाते हैं, अगर आपको कुछ अलॉट हो जाता है तो आपको 40,000 पे करने होंगे, उसके बाद आप राउंड टू के अंदर जा सकते हैं। क्या भैया 40,000 मेरे रिफंड हो जाएंगे? हो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे, अगर आप वो सीट नहीं लेते या फिर आईपीयू में से ही आप एडमिशन को विड्रॉ कर लेते हो। राउंड टू में आप चले जाएंगे, अब राउंड टू में दोबारा से आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, अगर आपको कुछ अलॉट हो जाता है तो आपको भाई एक बार आप अगर आपने एक बार 40,000 पे कर दिया ना पूरे आईपीयू में, तो आपको बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही बार पे करने होते हैं। अगर आपको अब कुछ अलॉट हुआ है, पहले कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था, तो आपको 40,000 पे करने हैं, तब आप थर्ड राउंड में जा पाएंगे। और उसके वहाँ पे ऑप्शन होता है फ्रीज या फ्लोट, क्या आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आपको कुछ अलॉट हो रखा है तो आपको 40,000 पे ही करने पड़ेंगे, चाहे आप लेना चाहते हो चाहे नहीं लेना चाहते हो। उसके बाद में फ्रीज का मतलब होता है कि मैं इसी को लेना चाहता हूँ, रोक दो मेरी काउंसलिंग यहाँ पे, और आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा।
अगर आप फ्लोट पे क्लिक करते हैं, फ्लोट का मतलब है कि आप अगले राउंड में जा रहे हैं, फिर आप अगले राउंड में थर्ड राउंड में आ गए आप। ये सबसे क्रूशियल राउंड है। थर्ड राउंड के अंदर क्या होता है, पिछले साल ही बस इन्होंने ऐसा करा था कि थर्ड राउंड के बाद इन्होंने दोबारा से चॉइस फिलिंग खोली थी, लेकिन हर साल 5 से 6 साल से मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ें, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी थर्ड राउंड की ही चॉइस फिलिंग को कंसिडर करती है स्लाइडिंग राउंड की चॉइस फिलिंग में। तो थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में बाकी 85% कोटा दिल्ली के बच्चों के पास है और 15% जो सीट्स हैं हमारी वो आउटसाइड दिल्ली के बच्चों के पास है। आपने राउंड थ्री की चॉइस फिलिंग करी, रिजल्ट आया, यहाँ तक अवेलेबल है इंटरनेट पे, यहाँ तक इंटरनेट पे आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कट ऑफ मिलेगी जनरल की, आउटसाइड दिल्ली की, एससी एसटी डिफेंस की, सबकी मिलेगी। बाकी आईपीयू के अंदर ओबीसी नहीं लगता है, प्राइवेट कॉलेजेस में खाली यूएसआईसीटी और यूएसएआर के अंदर लगेगा आपका ओबीसी, जो अच्छे कॉलेज हैं गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक ठाक है, फिर भी यूएसआईसीटी तो खैर बहुत अच्छा है, इनके अंदर आपको ओबीसी लगेगा, बाकी के अंदर आपको ओबीसी की डिग्री नहीं लग रही होती, खाली एससी एसटी आपकी लग रही होती है। इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। राउंड थ्री की चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, आप लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं लेना चाहते तो उसके बाद एक राउंड होता है स्लाइडिंग राउंड। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन और कट ऑफ भी नहीं है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी खुद भी कट ऑफ नहीं निकालता, इसी वजह से हम सारे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं आपको कोई भी डाउट लगे तो, ठीक है। स्लाइडिंग राउंड होगा, स्लाइडिंग राउंड का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, एक दिन ही मिलता है स्लाइडिंग राउंड के लिए, उसमें चॉइस फिलिंग नहीं होती है, पिछले साल ही हुई थी बस, बाकी आज तक स्लाइडिंग राउंड में कभी चॉइस फिलिंग हुई नहीं, थर्ड राउंड की चॉइस फिलिंग कंसिडर होती है। अब स्लाइडिंग राउंड में जॉब मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हैं तो फिर आप सीधा फिर स्पॉट राउंड की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, धीरे 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 समझ में आएगा। फिर उसके बाद आपके कॉलेज शुरू हो जाते हैं, कॉलेज में रिपोर्ट कर देते हैं, फीस वगैरह सबमिट कर देते हैं, 10-15 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, जब भी आईपीयू का मन करता है, मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन बाद स्पॉट राउंड वन होता है। स्पॉट राउंड वन में क्या होता है, स्पॉट राउंड वन में वही सेम चॉइस फिलिंग वगैरह होती है, लेकिन स्पॉट राउंड में आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली ऑल इंडिया बन जाता है, कुछ नहीं रहता आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली, फिर कोई कोटा कोटा नहीं मिलता किसी को, ऑल इंडिया कोटा चलता है फिर। लेकिन फिर भी अगर कोई सीट्स खाली रह जाती हैं एससी एसटी वगैरह की तो वो आपको मिल जाएंगी, डिफेंस की सीट्स खाली रह जाती है तो वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑल इंडिया कोटा ही चलता है हमारा मैक्सिमम। तो सारा का सारा प्रोसीजर है, राउंड वन का रिजल्ट आता है, लेना है तो ठीक, नहीं लेना है तो ठीक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको स्पॉट राउंड वन में कुछ अलॉट हो गया और आपको पहले से कुछ अलॉट हो रखा था, आप कॉलेज में पढ़ रहे थे और आप स्पॉट राउंड में जो अलॉट हुआ आप उसमें एडमिशन ले नहीं रहे हैं, तो पहले वाला भी कैंसिल हो जाएगा और स्पॉट वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ना घर का ना घाट का, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा अच्छे से कदम उठाने हैं। स्पॉट राउंड वन के बाद भी हमारा स्पॉट राउंड टू होता है सेम उसी तरीके से, फिर होता है हमारा लास्ट जनवरी के स्टार्टिंग में, दिसंबर के बहुत ज़्यादा एंड में हमारा होता है हमारा स्पेशल स्पॉट राउंड जो कि ऑफलाइन होता है। बाकी अब तक के पहले वाले जितने भी राउंड थे सारे के सारे ऑनलाइन थे, वो होता है हमारा ऑफलाइन राउंड। उस ऑफलाइन राउंड में आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है यूएसआईसीटी द्वारका के अंदर वहाँ पे जाना होता है, आप रिपोर्टिंग करनी होती है, जो जो सीट्स खाली होती हैं उसके अंदर आपको एडमिशन दे देते हैं। ये था आपका पूरा का इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो हमारा काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बाकी ऐसे ही और ज़्यादा कुल स्टफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी ऐसे ही बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आती रहेंगी, 2 साल से 3 साल से यही चीज़ कर रहे हैं, आई होप इस साल भी कर पाएँ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। कई सारे बच्चों के एडमिशन करवा चुके हैं, आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आपको पता लगेगा कि हर ब्रांच में हर सेक्शन में कोई ना कोई बच्चा मेरे थ्रू बैठा ही है। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।